हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीआईएसएनएस। आज मैं आपको एक ऐसी संजीवनी बूटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको कोई भी ले सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी पृथ्वी की संजीवनी बूटी है। जिस तरह से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे संजीवनी बूटी देकर के, उसी तरह से अमृता यानी कि गिलोय की बेल, ये हमारी धरती पर संजीवनी बूटी के समान है। देखिए, हमारी धरती पर संजीवनी बूटी अगर कोई है तो वो है अमृता यानी कि गिलोय की बेल। देखिए, गिलोय की बेल को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और कोई भी इसको यूज कर सकता है। पहली चीज देखिए, यदि आपको गिलोय की बेल मिल जाती है तो उससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप हरे पत्तों का या फिर ताजी बूटी का प्रयोग करते हैं तब से तो अच्छी बात है ही नहीं। लेकिन यदि नहीं मिलती है तब आप गिलोय घनवट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। बैद्यनाथ की आती है, आप इसे 2 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इससे आपकी, यदि आपको बुखार आया है, आपको कमजोरी फील हो रही है, तो वो नहीं होगी। दूसरी चीज, यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है यानी कि आप बहुत जल्दी जल्दी से बीमार होते हैं, तब वो बीमार नहीं होंगे। यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं तब भी आप इसे ले सकते हैं, आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कोई भी ले सकता है, जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो भी ले सकता है, जो हार्ट पेशेंट है वो भी ले सकता है, जिसको डायबिटीज है वो भी ले सकता है, जिसे हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो भी इसका सेवन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि गिलोय घनवटी के साथ में, गिलोय घनवटी तो आती ही है, साथ ही गिलोय सत्व भी आता है, तो गिलोय सत्व भी आप ले सकते हैं। वो एक चने के दाने के बराबर लेना है आपको शहद में, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट में गुड़गुड़ होती हो या पेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई हो, पेट में गर्मी हो गई हो, पेट में आपको पित्त बहुत ज्यादा बनता हो या कफ की प्रॉब्लम हो, मतलब कहने का ये है कि तीनों चीजों को संतुलित रखती है गिलोय। अब तीनों चीज कौन कौन सी हैं? तीनों चीजें हैं वात, पित्त और कफ। यदि दर्द बहुत ज्यादा होता हो तब आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है तब आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि आप लोगों को कफ बहुत ज्यादा बनता हो यानी कि खांसी बहुत जल्दी हो जाती हो, जुखाम बहुत जल्दी हो जाता हो, नजला बहुत जल्दी हो जाता हो या साइनस की प्रॉब्लम होती हो, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इसका सेवन सुबह और दोपहर के समय करें शहद के साथ, रात को इसका सेवन ना करें। और जिन्हें वात और पित्त की परेशानी है वो इसका सेवन सुबह और शाम को करें खाना खाने के बाद। तो इससे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याओं से आप प्रॉब्लम है, हाँ, और दूसरी चीज, जितनी भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। और अगर आप अपने बच्चे की हाइट को लेकर या ग्रोथ हार्मोन को लेकर के परेशान हैं, तब कंटिन्यू गिलोय सत्व का सेवन करें, उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।